और अंदाज पर खादों का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारा लागत बढ़ता है और हम सॉइल हेल्थ कार्ड पूरे राज्य के किसान भाइयों को कराने की हमारी योजना है, ताकि हम चाहते हैं किसान सॉइल हेल्थ कार्ड के आधार पर मध्यम ही चलने दो, प्रकाश पर खुद कभी घमंड ना हो, पीना बनो सब्जी दिखाना राजे नजर, भी तुम जलते रहना यूं ही निरंतर, अंधेरी गलियों में हम जो भटक जाए, तेरे उजियारे से मन की प्रज्वलित हो आशाएं, भी तुम जलते रहना यूं ही निरंतर, भी तुम जलते रहना यूं ही निरंतर। भी प्रज्वलन के साथ इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ महामहिम राज्यपाल महोदय अरविंद, महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिनंदन, निदेशक कृषि केवल इतना ही सोचते हैं कि आपको कोई एक नई योजना प्राप्त हो गई या कोई थोड़ी सुविधा प्राप्त हो गई, या कुछ लोग आपके सम्मान का सौदा करके पहले कर्जदार बनाते हैं, फिर कर्ज माफी के लिए आपको दरबार से दरवाजे दौड़ाते हैं। जो व्यवस्था बदल रही है, इस व्यवस्था के अंदर शुरू से इस देश के जो विचारक रहे हैं उन्होंने कृषि को कभी ऐसा विषय नहीं समझा कि जिसके लिए कुछ विशेष किया ना जाए, लेकिन हुआ नहीं, बड़ा वक्त बीत गया। आप ये सोचें कि अगर आपके ऊपर कोई 5 वर्ष में जब चुनाव होता है तब ये मांग ज्यादा होती है, और बिहार के जो 25 जिले हैं 280 प्रखंडों में सुखाड़ हो गया है, और हम लोग डीबीटी के माध्यम से 13 लाख किसानों को राशि उपलब्ध कराने का हम लोगों ने काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लागू हो, माइक्रो इरिगेशन जाकर के, और दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। हम लोगों ने तय किया है कि किसान भाइयों को 90% सब्सिडी देकर मात्र 10% किसान को लगाना होगा, और ड्रिप बोरिंग के माध्यम से, और इस स्प्रिंकलर का 75% सब्सिडी है, और देखा कि उसमें नलकूप का व्यवस्था नहीं था करके, तो हम लोगों ने कम्युनिटी नलकूप करके 5 हेक्टर पर 100% हम लोगों ने निःशुल्क देने का तय किया जा करके, ताकि किसान कहीं तक तरीके से यदि हम माइक्रोइरिगेशन को बनाते हैं तो उससे 60% पानी की हमारी बचत होगी जाकर, उत्पादन हमारा 25% बचेगा जाकर, और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री के पहल पर हम बिहार के किसान भाइयों के लिए खेतों में हम कृषि फीडर के माध्यम से, अभी तक जो बिजली किसान भाइयों को मिल रही है उसमें कमर्शियल भी है, इंडस्ट्री भी है, डोमेस्टिक भी जा करके है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के पहल पर और बिहार सरकार के द्वारा आज पूरे बिहार में हम बिहार के खेतों में हम कृषि फीडर के माध्यम से बिजली 2000 पहुँचाने का हमारा लक्ष्य करते हैं। साथ ही साथ हम FPO बना रहे हैं, FIC बना रहे हैं, किसानों का समूह बना रहे हैं, ताकि आने वाले समय में बिहार में 96% किसान लघु सीमांत किसान हमारे हैं। हम चाहते हैं किसान भाइयों को हम सामूहिक तौर पर सामूहिक खेती को ले जाने का प्रयास करें, उस दिशा में बामती के द्वारा आत्मा के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, तो आज के मौके पर
हम सबों के बीच महामहिम राज्यपाल महोदय आए हुए हैं, हमारे केंद्रीय माननीय मंत्री आए हुए हैं, उनका उद्बोधन होगा। तो आप सब चल कर आए हैं, आप सबों का स्वागत है। और आपके साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमेशा आमदनी बढ़ाने का मामला हो, खेती में लागत कम करने का मामला हो, और कैसे बेहतर किसानों को बाजार मिले, ताकि बेहतर किसानों को मूल्य मिले, उस दिशा में कृषि विभाग का जो प्रयास है और आज का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इस निधि योजना से आने वाले समय में किसानों को एक ताकत मिलेगी जा करके। और जिसका मोदी जी के सरकार में 14-19 में कृषि विभाग का बजट है 2,11,000 करोड़, आप समझ गए, दुगना से अधिक बढ़ गया। आज भारत में मछली दुनिया में सबसे अधिक उपजती है, दूध दुनिया में नंबर एक होता है, मछली नंबर दो होती है, अंडा में नंबर एक है। तो मत्स्य पालन और पशुपालन के लोगों का एक आग्रह था कि हमें भी किसानों के बराबर दर्जा दीजिए। तो इस बार के बजट में क्या फैसला किया कि पशुपालन अलग से विभाग होगा, मत्स्य पालन अलग से विभाग होगा, इसमें जो किसान लगे हैं उनको भी किसान के समान ही सम्मान दिया जाए। और क्या काम किया हम लोगों ने, जो किसानों को 3,00,000 रुपये 4% ऋण पर मिलता था और उससे भी कम पर, वो फायदा अब पशुपालन और मछली पालन करने वाले किसानों को। बाकी आपने सुना होगा एक और हिंदुस्तान की क्या है छवि, सॉइल हेल्थ कार्ड। आज देश के 22 करोड़ किसान के पास सॉइल हेल्थ कार्ड है। मुझे बताया पदाधिकारियों ने 19,00,000 बिहार के किसानों के पास है। क्या आप अपनी तबियत तो देखते हैं, कभी अपनी मिट्टी की तबियत देखते हैं कैसी तबियत है, तो ये सॉइल हेल्थ कार्ड। तो आज भारत को किसान और किसानी के माध्यम से किसानों की आमदनी को दुगना किया जाए, लेकिन जो छोटे किसान हैं उनका सम्मान भी किया जाए। और ये देखिए, ये पैसा आपकी जरूरत के लिए है, इस पर आपका अधिकार है, ताकि भारत के छोटे किसान मझोले किसान जो हैं उनको अपना काम करने का अवसर मिले। एक अंतिम बात मुझे कहनी है, ये कार्यक्रम कैसा बना है, जो MP हैं, जो MLA हैं, जो मिनिस्टर हैं, जो IAS हैं, जो IPS हैं, और जो बड़े अफसर हैं, भले वो छोटे किसान हो, उनको इनका लाभ नहीं मिलता, हमने ध्यान रखा है। मोदी जी ने इस बात की बहुत चिंता की, जो बड़े बड़े पदों पर हैं, भले वो छोटे किसान हो 2 हेक्टेयर के 5 एकड़ के, तो वो लाभ नहीं लेंगे। ये लाभ सही में भारत के छोटे किसानों को मिलना चाहिए जो किसानी का काम करते हैं, ये चिंता की गई। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।